Okay, so, hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So, guys, कैसे हैं आप सभी? I hope कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। बाकी guys, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी guys, अगर आप लोग भी इस तरीके की फोटो एडिट करते हो तो guys मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करना मत बोलना। इंस्टाग्राम को जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। बाकी चले गए आज के इस वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको फेस ऐप में गाइस, क्योंकि पहले फेस ऐप में हम जाएंगे और भाई एक वॉइस का किसी का भी जेंडर चेंज कर दें, ठीक है। तो जैसे भाई आप फेस ऐप में ऐड करोगे तो आपका फोटो कुछ लोड ही लेगा, और भाई जिस फोटो को आप गर्ल्स बनाना चाहते हो उस फेस को आपको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने वाले आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है, नीचे आप देख सकते हो उसको स्लाइड करना है और आपको जेंडर का ऑप्शन दिखेगा, और जेंडर पर ऑप्शन पे यहाँ पे एक तीसरे नंबर पे एक लड़की दिख रही होगी। सिंपली आपको उस लड़की वाले आइकन पे क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ फीमेल टू, ठीक है। तो उस पर आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो ऑटोमेटिक ये लड़की बन चुका है, और देख सकते हो मेरे फेस पे थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। तो आपको ऊपर एक रेजर का ऑप्शन दिख रहा है, उस रेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको ब्रशेस करना है आपको अपने फेस पे। अगर भाई आपका फेस पे थोड़ा भी लड़की में कन्वर्ट हो जाए या फिर आपके फेस से बियर्ड गायब हो जाए तो आप इरेजर टूल का यूज़ करके उन सबको भाई इरेज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो अभी गाइस मेरा आधा फेस गलत बन चुका था, तो मैंने उसको इरेज करके भाई सही कर लिया है। तो सिंपली से आपको ऐसे करके सही कर लेना है। तो चलो भाई मैं उसको सिंपली सा डन करता हूँ। आपको डन करने वास्ते आपको एक सेव का आइकन दिख रहा होगा, उस सेव वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। अगर गाइस आप अलग फोटो कैसे बना सकते हो तो आपको ऐसे ही स्माइल भी करा लेना है अपने आप को, ठीक है। तो सिंपली इतना करने बस आपको अपने फोटो को शेयर करना है लाइट रूम ऐप में, क्योंकि गाइस हमें लाइट रूम ऐप में चल के कलर ग्रेडिंग करना है, और कलर ग्रेडिंग करके भाई फेस भी स्मूथ करना है। तो चलो गाइस सिंपली आपको अपना लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेना है, और चलो मैं अपना लाइट रूम ऐप को ओपन कर लिया हूँ। तो मैंने थोड़ा अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में कर दिया, क्योंकि यार क्या पता कब फ़ोन आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो को चूज कर लेना है। तो गाइस ये रहा हमारा फ़ोटो, तो थोड़ा सा ये लोडिंग है। उसके बाद सबको सबसे पहले जाना है लाइट्स में, तो लाइट्स में इसको पूरा स्क्रॉल करना है, जो ब्लैक दिखेगा ब्लैक को कम करना है, उसके बाद हाईलाइट को कम करना है। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुका है, थोड़ा सा हम वाइट को भी कम कर देंगे और शैडो को बढ़ा देंगे। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी हमारी फोटो में क्वालिटी आ चुकी है। चाहो तो आप कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, बट ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा। इतना करने में आपको आ जाना है इफेक्ट में, क्योंकि गाइस हमें इतना सेटिंग करने वास्ते इफेक्ट में आना है, उसे टेक्सचर को बढ़ा लेना है, क्लियरिटी को बढ़ा लेना है, ठीक है। तो आपको इतना करने वास्ते कलर पे आना है, मिक्स पे क्लिक करना है। सबसे पहले हम लोग ग्रीन को कम करेंगे, ग्रीन का जो यू है उसको कम करेंगे। तो आप देख सकते हो येलो में कन्वर्ट हो चुका, फिर येलो पे आएंगे थोड़ा सा यू को कम कर देंगे, और भाई सेचुरेशन को भी कम करके लुमिनियंस को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप ये सेटिंग बिल्कुल अपने फोटो में कर सकते हो, ठीक है। इतना करने बस अगर आपके ड्रेसेस में कोई और भी कलर है तो उन सभी कलर को चूज करके यू या फिर सेचुरेशन को कम करके जो भी कलर बनाना चाहते हो उसको आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने भाई बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लिया। सिंपली आपको ऑरेंज पे आना है, सेचुरेशन को कम कर देना है, लुमिनियंस को बढ़ाना है, तो ऑटोमेटिक आपका फेस वाइट हो जाएगा। उसके बाद आपको रेड पे जाना है, यू को कम करना है, लुमिनियंस को बढ़ा देना है, सेचुरेशन को थोड़ा सा कम कर दीजिए ताकि भाई अच्छे से वो भी एडजस्ट हो जाए। तो उसके बाद हम चलो पिंक पे आ गए, उसके बाद से लुमिनियंस को बढ़ा दिया तो थोड़ा लिप पे भी भाई अलग कलर आ चुका है। इतना करने बस आपको फिर से जाना है भाई ऑप्टिक्स में, और ऊपर वाला जो आइकन दिख रहा है उसको इनेबल कर देना है। तो आपको इनेबल करने के बाद से आप देख सकते हो थोड़ा सा भाई जो क्रोमेटिक है वो हट जाएगा, तो भाई अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली शेयर वाले का आइकन दिख रहा है, उस शेयर वाले आइकन में क्लिक करना है और आपको अपने फोटो को शेयर करना है। बट कहाँ शेयर करना है आपको, ऑटोडेस्कैप में, जिसका नाम अभी स्केच बुक हो चुका है प्ले स्टोर पर, ठीक है। तो उसमें शेयर करने वास्ते आपको अपने फेस को स्मूथ करना है, तो फेस स्मूथ करने के लिए आपको इस टूल का जरूरत पड़ेगी, स्मज राउंड ब्रिटिश पर, और आप सेटिंग देख लो, आप बिल्कुल यही सेटिंग रखना है इस टूल पर, और भाई फ्लो और इस तरह दोनों देख लो, और भाई साइज अपने हिसाब से रख लेना जो भी आपको साइज पसंद हो, ठीक है। तो इतना सेटिंग रखने वास्ते आपको अपने फेस को जूम करना है और भाई हल्का हल्का ब्रश करना है, जैसे मैं ब्रश कर रहा हूँ। आपको ब्रश साइज थोड़ा भी बड़ा नहीं करना है, अगर ब्रश साइज आप बड़ा कर दोगे तो भाई अच्छे से स्मूथ नहीं हो पाएगा। तो गाइस यहाँ मैंने वीडियो की स्किप कर दिया, वरना भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि भाई मैंने फेस बहुत देर तक किया था स्मूथ, ठीक है। तो इतना करने के बाद से जब जैसे स्मूथ हो जाएगा तो आपको यहाँ से अपने फोटो को शेयर करना है। तो आपको शेयर करने के लिए भाई सबसे पहला ऑप्शन क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करना है और अदर पे क्लिक कर देना है। तो इतना करने के बाद से आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, सिंपली अपने फोटो को पिक्सआर्ट ऐप में शेयर करना है। तो मैंने गाइस अपने फोटो को पिक्सआर्ट ऐप में कर लिया ऐसे यार, तो भाई थोड़ा सा लोडिंग लेगा ओपन होने में। तो गाइस मेरे इस फोटो का भाई बैकग्राउंड कलर चेंज था, तो बैकग्राउंड कलर चेंज कहाँ से, सिंपली आपको जाना है इफेक्ट में, जाना है कलर में, या कलर में कलर रिप्लेस पे जाके इसको सिंपली सा डन करके यहाँ से भाई जो ऊपर का वाला है उसको आप कम बेसी करोगे तो ऑटोमेटिक भाई बैकग्राउंड कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करने वाला सबको सिंपली भाई इरेजर टूल पे क्लिक करके जो भी आपके फेसेस पे लाइट पड़े उन सबको इरेज कर लीजिएगा। तो गाइस मैं सबको इरेज, मैं अपने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज करूँगा, आप भाई चाहो तो चेंज कर लेना, क्योंकि यार चेंज करने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलो गाइस मैं इसको स्किप कर देता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज करता हूँ।
तो चलो हम थोड़ा सा लिप पे कलर कर लेते हैं गाइस, क्योंकि हमें लिप पे और ज़्यादा कलर करना है। तो सिंपल आपको जाना है ब्यूटी में और यहाँ पे जाना है आपको कलर में। कलर में जाने वाले से आप सिंपली सा रेड कलर ले लेना है, और रेड कलर लेने के बाद सिंपली से भाई ब्रशेस का साइज छोटा कर लेंगे और अपने लिप को जूम कर लेंगे। जो भाई आपके साथ में जो आपका पार्टनर होगा या फिर जो भी गर्ल्स है उसको इसके लिप को जूम करना है। और जैसे मैं ब्रशेस कर रहा हूँ सिंपली आपको ऐसे ही ब्रशेस करना है, क्योंकि ऐसे ये ब्रशेस करो तो भाई थोड़ा लगता है हाँ रियलिस्टिक लिपस्टिक या फिर जो भी कलर से आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से भाई यहाँ पे लिप पे कलर हो चुका है। यहाँ पे मैंने दांत पे भी कलर कर दिए, तो आप चाहो तो इसे इरेज कर लेना। ठीक है, तो बट उतना नहीं दिख रहा है। तो गाइस अभी हमारा फोटो बन हो चुका है रेडी। तो गाइस बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।